हम लोग साफ सफाई का ख्याल रखेंगे, राष्ट्र की संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे, तो बिल्कुल ही स्वच्छता चलेगी। आप ट्रेन दीजिए, बनाइए, कोई बात नहीं, कोई मगर ट्रेन देना होगा स्पेशल, तभी स्पेशल बनेगा मुजफ्फरपुर। खाली तो इमारत बनाने से तो नहीं होगा ना, ट्रेन बनाइए तब मानेंगे भाई ऑल क्लास होगा, फर्स्ट क्लास होगा। बस मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी सौगात है पीएम मोदी की। बस मोदी जी है, विकास है, और क्या है। मोदी जी के बिना विकास नहीं है क्या? नहीं नहीं, नहीं है, मोदी जी के बिना विकास नहीं है। आज मोदी जी आए तब से ही इतना इंडिया आगे बढ़ रहा है या बिहार आगे बढ़ रहा है। बजट तो काफ़ी अच्छा है, अगर काम अच्छे से हो जाए तो शायद वर्ल्ड क्लास हो जाए। भारत इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट होने लगा है, तो ओबियसली बात है बिहार भी इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा से ना वर्क कर रहे हैं। काफ़ी खुशी हुई सुन के, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये भी एक अच्छी स्टेशन बन जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़ को, मेरा नाम अभिषेक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 508 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाने की आधारशिला रखी है, जिसके बाद इस वक्त हम मुजफ्फरपुर जंक्शन पर हैं। इस जंक्शन को भी वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। हम लोगों से बातचीत करते हैं कि लोग इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर जंक्शन को। अच्छा, वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा मुजफ्फरपुर जंक्शन को, पीएम ने आधारशिला रखी है, क्या कहेंगे? वर्ल्ड क्लास बनेगा, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं बहुत अच्छी बात है बिहार वासियों के लिए, खासकर मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी सौगात है पीएम मोदी की। हाँ, आगे आगे ऐसे ही काम करे पीएम मोदी, बहुत अच्छी बात है। आप लोग इसकी सुरक्षा कैसे करेंगे, गंदगी को लेकर, साफ सफाई को लेकर? अगर पब्लिक सारी जागरूक हो जाए तो गंदगी कहीं रहेगी नहीं। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। क्या कहेंगे, वर्ल्ड क्लास बनेगा? बस मोदी जी है, विकास है, और क्या है। मोदी जी के बिना विकास नहीं है क्या? नहीं नहीं, नहीं है, मोदी जी के बिना विकास नहीं है। आज मोदी जी आए तब से ही इतना इंडिया आगे बढ़ रहा है या बिहार आगे बढ़ रहा है। काफी खुशी है, काफी खुशी। वर्ल्ड क्लास बनेगा इंजेक्शन, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी, बनना ही चाहिए। बिहार की राजधानी, बिहार की दूसरी राजधानी है मुजफ्फरपुर, तो बनना ही चाहिए इसको। इससे कोई खुश नहीं होता है तो वो बदनसीब है। अगर इससे कोई खुश नहीं होता है तो वो बदनसीब है। यस सर, जब भारत इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट होने लगा है, तो ओबियसली बात है बिहार भी इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा से ना वर्क कर रहे हैं। बीजेपी के गवर्नमेंट और अच्छे लेवल पे ना, इंटरनेशनल लेवल पे इनका ना दिखाया जाएगा, और अच्छा वर्क कर रहे हैं। स्वागत दिए मोदी। यस सर, बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, और आगे भी उम्मीद है यही सरकार रहे हम लोग के पास, और अच्छा वर्क करेंगे। क्या कहेंगे, वर्ल्ड क्लास बनेगा मुजफ्फरपुर जंक्शन? यस, काफ़ी खुशी है। हाँ, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी। हाँ, काफ़ी खुशी है ना। यस, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। वर्ल्ड क्लास बनेगा जंक्शन, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं। और अपना काम नहीं हो रहा था क्या? काम हो रहा था, कांग्रेस सरकार में काम हुआ, लेकिन अच्छी काम कर रहे हैं। वर्ल्ड क्लास बनेगा, सुविधा अच्छा होगा। आप लोग सुरक्षा कैसे रखेंगे इसकी? सफाई होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। हम लोग खुद सफाई पर थोड़ा ध्यान रखेंगे। काफ़ी खुशी है आज? बिल्कुल खुशी है। क्या कहेंगे, वर्ल्ड क्लास बनेगा मुजफ्फरपुर जंक्शन? बहुत अच्छी बात है, और काफ़ी खुशी हुई सुन के, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ये भी एक अच्छी स्टेशन बन जाए, क्योंकि यहाँ तो गंदगी का अंबार लगा रहता था। भविष्य में जाने क्या होगा पता नहीं। 442 करोड़ बजट तो काफ़ी अच्छा है, अगर काम अच्छे से हो जाए तो शायद वर्ल्ड क्लास हो जाए। उम्मीद है? उम्मीद तो है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो क्या कहेंगे, वर्ल्ड क्लास बनेगा मुजफ्फरपुर जंक्शन, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। आज पीएम मोदी ने आधारशिला रखी है, 442 करोड़ में बनेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, खास करके रेलवे में अश्विन वैष्णव जी का कार्य काफ़ी सराहनीय है। देश के हर कोने कोने पे प्रगति दिख रही है, और अगर वर्ल्ड क्लास की सुविधा मिलती है तो हम भारतीयों के लिए गौरव की बात है। आप लोग कैसे सुरक्षा रखेंगे? हम लोग साफ सफाई का ख्याल रखेंगे, राष्ट्र की संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे, तो बिल्कुल ही स्वच्छता चलेगी। तो आप देख सकते हैं लोगों में काफ़ी खुशी है। अच्छा, वर्ल्ड क्लास बनेगा मुजफ्फरपुर जंक्शन, अंकल जी कितनी खुशी है? खुशी है, खुशी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने कहा है। और लोगों से बातचीत करते हैं। भैया, वर्ल्ड क्लास बनेगा मुजफ्फरपुर जंक्शन, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी, क्या कहेंगे? खूब अच्छा बात है, उसका साधन पहले करना चाहिए। ट्रेन देना होगा, खाली प्लेटफॉर्म अच्छा बनाने से नहीं होगा। हावड़ा से लेकर यहाँ तक कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है, हम लोग बहुत दिक्कत झेलना पड़ता है। एक बाक्स पर रख है, मिथिला है, एकदम बेकार से बेकार है फैसिलिटी। आप ट्रेन दीजिए, बनाइए, कोई बात नहीं, कोई मगर ट्रेन देना होगा स्पेशल, तभी स्पेशल बनेगा मुजफ्फरपुर। ट्रेन देना होगा, ट्रेन देना होगा स्पेशल। तो वर्ल्ड क्लास
बनाया जा रहा है, 42 करोड़ तो ट्रेन तो भाई चाहिए ना, खाली तो इमारत बनाने से तो नहीं होगा ना, ट्रेन बनाइए तब मानेंगे भाई ऑल क्लास होगा, फर्स्ट क्लास होगा, बस यही बात है। 442 करोड़ में मुजफ्फरपुर जंक्शन वर्ल्ड क्लास बनेगा, एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं होंगी, क्या कहेंगे? एयरपोर्ट की सुविधा अगर होगी तब ना, होगी तो बढ़िया रहेगा, बढ़िया रहेगा। हाँ जी, खुशी रहेगी। हाँ, आदमी खुशी रहेगा। तो आपने सुना कि लोगों ने क्या कुछ कहा, अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है, वहीं पीएम मोदी की सौगात पर खुशी देखने को मिल रही है। तो कई लोगों ने यह भी कहा है कि ट्रेन देनी होगी, खाली इमारत बनाने से कुछ नहीं होगा, ट्रेन भी देनी होगी। तो मैं रही लाइव सिटीज के साथ